किसका? जो ऑफिस है उनका साइड का। तो आपने एम्प्लॉई हो, तो एम्प्लॉय भी तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पर ठग लिया आप लोगों ने। आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ, 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला अभी तक? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो मैं ही दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ जो लूटते चले जाओगे आप, सुनता ही रह जाऊंगा मैं। मुझे बुजुर्ग समझा है क्या आपने? जो कहानी सुनाते रहोगे सुनता रहूंगा। 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशंस के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकअप हो आप लोग तो। वो 72 साल का आदमी आत्महत्या करता, कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? आत्महत्या कैसे हो जाते तुम लोग? 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर, समझ नहीं है? 2,75,000 का मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों का बेवकूफ बनाया? अरे तो ऑफिस से कितने किए हो? तुमने कॉल किया होगा ना कभी कभी? कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया मैडम, आप मुझे 72 साल का बुरा समझ रहे हो क्या? तो कुछ भी कहानी सुना रहे हो, मैं सुनता रहूंगा। इसमें ईशानी लिखा हुआ, ईशानी कॉल किया ना? ये क्या है भाई, ये कौन है? हाँ, नाम फॉर्म में हो साले कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो भाई बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। नहीं ये तो फिर ब्लास्ट करते थे पूरे देश भर में। मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन? देखो यार कहाँ कहाँ, देखो सुनो, कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान हो गए? ये देखो पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चुना लगाया है। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से अलग प्यार है तुम लोगों को, इसे ले लिया रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तीसरा है छेद, दिल्ली वाले कितना चूना लगाते हो तुम लोग, 5-13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6-13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं? हाँ 3,990 क्या मुझे मिला है क्या ये? अरे मैडम मैं समझ रहा हूँ आपका बोल क्या चीज, तो इनको मैडम कैसे मालूम चल गया फिर? तो दूसरे बोला जाता था। अरे मैडम ऑफर करते थे, समझ गया तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। अरे इनका भी इलाज करूंगा ना अभी, तो ठीक होंगे ये लोग। इनका अलग अलग ऑफर है, 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पर रहेंगे तो 2,700 रुपये, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपये, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8,700 रुपये, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। और इतने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं, और ऑफर लंबे लिए जा रहा है सीधे। अब बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग, उम्र का कुछ इन्फ्लुएंस है नहीं, और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। हाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल में भी डेटिंग। अरे भाई ये लोग कहाँ से तुम लोग यार?